नमस्कार। न्यूज क्लिक के खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे उन भारतीय नागरिकों की जिनके बिना ये देश कोरोना वायरस से अपनी लड़ाई पूरी नहीं कर सकता। ये वो नागरिक हैं जो हमें और आपको दिखाई तो रोज देते हैं लेकिन जिनके बारे में हम और आप और हमारी सरकारें बहुत कम सोचती हैं, बहुत कम कुछ काम करती हैं। ये लोग वे हैं जो खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपने परिजनों की जान को जोखिम में डालकर इस देश को साफ रख रहे हैं। ये हैं इस देश के सफाई कर्मचारी। देश के सफाई कर्मचारी वही भूमिका निभा रहे हैं जो इस समय देश के डॉक्टर और नर्स निभा रहे हैं। डॉक्टर और नर्स सबसे ज़्यादा इस समय कोरोना के संकट को किस तरह से देश लड़ सकता है, किस तरह से उस लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है, उसके फोर फ्रंट पर हैं। और ठीक उसी तरह से देश के सफाई कर्मचारी भी, चाहे वो अस्पताल में हो, बाकी जगहों पर हो, सड़कों पर हो, घरों में हो, हर जगह जो संकट है उससे सीधे सीधे जूझ रहे हैं। क्या आपने नाम सुना है आत्माराम का, जिनकी उम्र थी महज 45 साल और जो रहने वाले थे सीतापुर जिले के? क्या आपने नाम सुना है राजेश का, जो रहने वाले थे हरदोई का? दोनों ही बहुत कम उम्र में मारे गए। दोनों ही सफाई कर्मचारी थे और दोनों को ही नगर पालिका ने जिम्मेदारी दी थी कीटनाशक के छिड़काव की। और जैसा कि हम जानते हैं और कई बार जानते हुए भी इसको स्वीकार नहीं करते हमारी सरकारें, ये दोनों जो सफाई कर्मचारी थे, ये दोनों कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे और उनके पास बुनियादी सुरक्षा उपकरण नहीं थे, न मास्क था, न ग्लव्स थे। और दोनों की मौत इसलिए होती है क्योंकि कीटनाशक इतना तेज था, दोनों की जान ले ली उसने। इसके बारे में बहुत कम चर्चा पूरे देश भर में है। मामला सिर्फ आत्माराम, राजेश या इस तरह के सैकड़ों अन्य सफाई कर्मचारियों का नहीं है, मामला अस्पतालों का है, अस्पतालों का भी है। यहाँ दिल्ली में, देश की राजधानी में LNJP लोकनायक अस्पताल जो है, वहाँ पे जहाँ कोरोना के मरीज एडमिट हैं, वहाँ के सफाई कर्मचारी 15 से लेकर 17 की तादाद में नौकरी छोड़ देते हैं। वजह सिर्फ एक है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उन्हें वे सुरक्षा के उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं जो उन्हें मिलने चाहिए, जो उनकी जान और उनके परिजनों की जान बचाने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अगर हमने जिस तरह से बात की, जिस तरह से खबरें आई हैं, वे खुलकर बोलते हैं कि उन्हें जो उपकरण दिए जा रहे हैं वे अपर्याप्त हैं। वे जब कमरा साफ करने जाते हैं मरीजों का, तब तो थोड़ी सी उनकी सुरक्षा कवच उनको मुहैया कराया जाता है, लेकिन जब वे उनकी चादरें और बाकी सामान साफ करते हैं तब कोई सुरक्षा की सुविधा उन्हें नहीं दी जाती। पूरे के पूरे ब्लीच और केमिकल्स उनके ऊपर गिर जाते हैं। और साथ ही वे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाते हैं, बहुत ही ज़रूरी, जो हमें और आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। वे कहते हैं कि जिस तरह से डॉक्टरों को और बाद में दबाव डालने के बाद नर्सों को यह सुविधा दी गई कि उनके रहने की व्यवस्था अस्पताल करता है, सफाई कर्मचारियों को क्यों नहीं दी जा रही है? जब वे घर जाते हैं तो उनके परिजन भीषण रूप से डरे हुए रहते हैं कि अगर उन्हें कोरोना हो गया, क्योंकि वे लगातार कोरोना पीड़ितों के साथ काम कर रहे हैं, तो पूरे के पूरा परिवार संकट में आ जाएगा, उनकी जान जोखिम में आ जाएगी। ये जो अहम पहलू हैं, इन पर बात करना, ये सवाल उठाना बेहद ज़रूरी है। नांगलोई रहते हैं जी, प्रेमनगर। दुनिया भर का हमारा किराया लग जाता है और क्या नाम है, अभी तक सैलरी नहीं आई, दूसरी तैयार होने लग रही है, पता नहीं कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, राशन ख़त्म हो गया, तनख्वाह अभी तक आई नहीं है। राशन कुछ मिला आपको सरकार? नहीं जी, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला जी। आपको भी नहीं मिला? आपकी कितनी सैलरी है? सैलरी है कोई 12 के लमसम, 12.5। साढ़े बारह सैलरी इस महीने की मिली नहीं आपको? नाम बताइएगा। सुरेंद्र। कितने इलाके में काम करते हैं आप? चार चार पाँच पाँच इलाके दे देते हैं करने के लिए, चार पाँच पाँच बीट। अच्छा, अभी आपको मास्क भी नहीं मिला है? नहीं। और हाथ में पहनने के लिए कुछ? कुछ नहीं, नहीं। देख लो आपके सामने। आपको भी नहीं मिला? नहीं। कुछ लोगों को मिला है आपके यहाँ? लोगों को कुछ लोगों को मिला, वो अपने पास रखते हैं, हमको कोई मिलता ही नहीं। जिन्होंने जिनको दे रखे हैं उन्होंने अपने पास संभाल कर रख के, हमें मिले नहीं। कितने लोग आपके साथ काम करते हैं यहाँ पर? कम से भी कम हम कच्चे आदमी 20-30 हैं। किसी को पैसा नहीं मिला? आप यहाँ वहाँ से यहाँ आते कैसे हैं? ऐसा है जी, लड़का जो है मोटरसाइकिल पे ले आता है और
लड़का ही लेके जाएगा। अच्छा भाई छोड़ के जाता है। हाँ। घर में क्या क्या सावधानी के लिए क्या करते हो आप? घर में सावधानी के लिए मैंने अपने पास से ही ये मास्क खरीद रखे हैं। लड़के की बहू है और घरवाली है, दो लड़के हैं, और सैनिटाइजर है अपने पास से खरीद के उनको दे रखा है। मेरा राशन कार्ड जो है मेरी माँ के नाम था तो कैंसिल हो गया। आपका भी है? मेरा है। आपको तो मिला होगा? नहीं कुछ, गरीबी रेखा से नीचे है उनके लिए, हमारा अपना मकान है इसलिए हमें नहीं मिला। देश की राजधानी दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, लखनऊ हो, हर जगह सफाई कर्मचारियों की सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि सरकारें और समाज उन्हें इंसान समझे, बराबरी की निगाह से देखे और ऐसे संकट के समय उनकी जान की भी परवाह करे। इसी संदर्भ में हमने बातचीत की सफाई कर्मचारी आंदोलन के नेता बेजवाड़ा विल्सन से। सब लोग कोई घर पे बैठे तो भी सरकार का कोई भी कामगार उनका सबका तनख्वाह मिल रहा है। ये लोग काम करे तो सिर्फ मिलते हैं, अगर नहीं आए तो वो एब्सेंट मार्क कर रहे हैं और किसी का भी छुट्टी भी नहीं दे रहा है। और दूसरा बात है काम करने वाला का किसी का भी सेफ्टी गियर मतलब ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है, डेटॉल नहीं देते हैं, सोप नहीं देते हैं, शू नहीं है। सबका अभी आपका लोग पत्रकार कोई आएगा स्ट्रीट पे एक आधा घंटा एक घंटा इंटरव्यू करने वाला का पूरा सूट मिलते हैं। ये पूरा दिन सड़क पे होते हैं, किसी के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों सो हम डिमांड किया था एमरजेंसी पे काम करने वाला कोई भी हो सकती, वो सफाई कर्मचारी हो सकती, सिक्योरिटी गार्ड होगा और दूसरा एसेंशियल दूध सारे सामान सरपरा करने वाला कोई भी होगा। सबका भी डॉक्टर का नर्स का हम कैसे ध्यान रख रहे हैं जैसे ये करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी क्या जो सेवाएं या सुविधाएं डॉक्टर और नर्स को मिल रही हैं वो सफाई कर्मचारियों को नहीं दे रहे हैं? वो नहीं मिल रहा है और अभी तो हाल है वो डॉक्टर नर्स भी कंप्लेंट कर रहे हैं हमारा का कुछ समय से नहीं मिल रहा है, वो सेवा कर रहा है। सो सबका हमारा अभी स्थिति कैसे हो गया, ये संकट स्थिति पे हमारा सेवा के लिए कौन आगे आया उनका अभी लाइफ का अभी थ्रेट आ गया, उनका जीवन का भरोसा नहीं है, उनका जान बचेंगे नहीं है किसी का पता नहीं। देश की राजधानी के अलावा देश के अन्य हिस्सों में किस तरह से सफाई कर्मचारी इस लॉकडाउन के समय, इस कोरोना संकट के समय जूझ रहे हैं, उन तक सरकारों की क्या बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं, इसका एक आंखों देखा हाल हम आप तक कुछ साथियों की मदद से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। काके दस्ताने देते तो नू दस्ताने पा के काम कर रहे, चाहे तू ही बोल लेके आओ दस्ताने नाल काम करो, ठीक है ना? ग्लव्स मिले नहीं है? नहीं मिले। और मास्क रोज चेंज करते हो उसको? मास्क ठीक नहीं है मेरे पास, मैंने अपने पास से खरीदे, अपने तरफ से खरीदे हैं ये। हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिले? एक ही मिला था बस। एक मिला था, वो भी कम से कम 15 दिन होंगे जीते। अच्छा। सबसे ज्यादा जो भारत में असर पड़ने वाला है इसी बीमारी का वो सफाई कर्मचारी पर पड़ने वाला है, जिसकी एग्जाम्पल है कि पंजाब सरकार चाहे नगर निगम लुधियाना हो चाहे बाकी नगर काउंसिल हो कहीं पर भी इनको सिक्योरिटी इक्विपमेंट नहीं दिए जा रहे हैं, जैसे ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, ये जो मेन चीजें हैं ये ही नहीं सरकार द्वारा इनको प्रोवाइड करवाई जा रही, तो ये लोग कैसे बचेंगे? नगर निगम के जो ऑफिसर हैं सफाई कर्मचारियों से बिना कुछ सिक्योरिटी इक्विपमेंट के उनसे काम करवा रहे हैं, सीवर में भी बिना इक्विपमेंट के उनसे काम करवाया जा रहा है, बिल्कुल भी कोई भी उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया। मैं पंजाब सरकार से कई बारी बेनती कर चुका हूँ और नगर निगम लुधियाना की जो कमिश्नर है और मेयर है इनको बेनती किया है कि भाई जो हमारे मुलाजिम साथी हैं उनका मेडिकल जांच होनी चाहिए और जो मेडिकल जांच होनी चाहिए और बिना किट के सीवर में उतारे हैं। पिछले दिन ही अभी हमने देखा है वार्ड नंबर 28 में पिछले दिन ही उन्होंने उसमें सीवर में उतारा है बंदा बिना किट के, ये क्यों हो रहा है? ताकि सरकार को 10 लाख रुपए पहले भरते थे और भर रहे हैं, ऐसे अफसरों की मैं निंदा करता हूँ और इनको मैं ये कहता हूँ कि जो 70% हैं और डीसी रेट पे है उस महामारी को देखते पक्के किए जाए और जो इनकी पेंशन लागू होनी चाहिए, पेंशन भी लागू होनी चाहिए
और सरकार से बार बार बेनती करता हूँ कि इनको पूरी यूनिफॉर्म पूरी किट दी जाए। लखनऊ में देखिए सफाई कर्मचारी और ख़ास तौर से जो मैला ढोने का काम छोड़ चुकी महिलाएं हैं वे किस तरह से बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। लॉकडाउन में ना तो उन्हें राशन मिल रहा है और ना ही कोई मदद। आपका नाम क्या है? अंजू। पहले आप क्या काम करती थी? चौका बर्तन। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? महेश। वो क्या काम करते हैं? वो कुछ नहीं, प्राइवेट वो भी करते हैं। तो क्या भारत के दुकान में? तो क्या भारत सरकार द्वारा अभी आपको किसी प्रकार की राहत सामग्री नहीं मिली है? कुछ नहीं। तो अभी आपके घर में खाने पीने की कैसे चल रहा है? अरे बस पूछिए नहीं, बस चल रहा मेरा घर का खर्चा। मेरा नाम परमिला है और सरकार से जो राशन बट रहा तो हमको कुछ भी नहीं मिला। पैसे ऐसे भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है मेरे पास। हम प्राइवेट काम करते हैं, घरों में सफाई करते हैं झाड़ू पोछे का। और इस टाइम तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना सरकार से कोई राशन मिला, ना कोई ना राशन कार्ड है, ना कुछ है, कोई मदद नहीं मिली। पैसे का उनको नौकरी का नौकरी छूट चुकी है। आज से मेला ढोते थे और अभी इस टाइम पे जो है प्राइवेट काम करते, झाड़ू पोछा फ्लैश लाइट होते हैं। और आपके हस्बैंड का क्या नाम है? महेंद्र। वो क्या काम करते हैं? वो भी कुछ नहीं करते, विकलांग है। तो क्या भारत सरकार द्वारा अभी आपको किसी प्रकार की राहत सामग्री नहीं मिली है? कुछ नहीं मिली। सफाई कर्मचारियों और दलितों के साथ भेदभाव, छुआछूत कोरोना के संकट के समय भी है। कुशीनगर से जो खबर आई है वह बताती है कि कितना भयानक है हमारा समाज, जहां एक दलित महिला कोरोना पीड़ितों के लिए खाना तो बना रही हैं लेकिन खाना खाने वालों को उनकी जाति दिखाई देती है और वे खाना खाने से मना कर देते हैं। सफाई कर्मचारी का मेडल देना, ये देना, पद्मश्री देना, उनका पुल चढ़ाना, उनका पाव पकड़ना, पाव ये सारे बकवास का होते हैं, ये थोड़ा बंद करना। क्यों तो उनका तो अभी कोई का हम लोग ऐसा ये ड्रामा करके कोई ज़रूरी नहीं। उनका कुछ बढ़ा के दिखा के ये सारे करेंगे, ये क्या करते हैं हम लोग? अब बहुत अच्छा है, अच्छा क्या अच्छा है? अच्छा नहीं, उनका मजबूरी के लिए वो काम कर रहा है। ये सेवा हो सकते बट सबका सेवा एक ही है। सो हम लोग कभी उनका बोलेगा वो देवा है, देवी देवी देवता है ऐसा? आप बताओ हमारा देवी देवता का हम लोग गटर के अंदर घुसाएंगे क्या? सो हम लोग ऐसे झूठ बोलना थोड़ा बंद करना। वो भी एक मजदूर है, उनका हक का अधिकार है। इसके लिए हम लोग थोड़ा उनका मिलने के सब लोग मिला के हम लोग कोशिश करना। दूसरा है हमेशा अप्रैल 14 है, सो बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती है। सारे लोग अभी आके जय भीम बोल के सब लोग एक बाबा साहेब अम्बेडकर का ये सारे बंद करके ये सफाई कर्मचारी होगा, दलित लोग होगा, उनका ऊपर कितने अत्याचार हो रहा है। सेफ्टी गियर तक क्या है, मास्क का बिना उनसे केमिकल्स डाल के उनका जान कैसे रहे, ये सारे कब बंद करेंगे? ये सच पे बाबा साहेब का सच पे निवाली हो सकते। ठीक इसी समय हमें यह भी समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत कि इस देश में सफाई कर्मचारी का बहुत स्वागत हो रहा है, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, उन्हें माला पहनाई जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है। और इसमें नेता यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की भी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही हैं जब सम्मान समारोह हो रहा है। ठीक ऐसे ही समय हमने देखा कि ज़मीन पर जो सफाई कर्मचारी हैं वे किन स्थितियों में काम कर रहे हैं। उन्हें माला की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पुरस्कार की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पैर धोने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ज़रूरत है सम्मान और सुरक्षा की। जो इस कोरोना वायरस में जिस समय देश जूझ रहा है उस समय भी सफाई कर्मचारी इस चीज़ से वंचित हैं। उन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही है, यहाँ दुगनी दुगनी तनख्वाह देने की बात हो रही है। सफाई कर्मचारी अगर काम पर नहीं आ पाता उसकी तनख्वाह काट ली जाती है, उसे हाथ धोने के लिए पानी और साबुन नहीं मुहैया है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात जब देश कर रहा है उस समय हमने देखा कि सफाई कर्मचारी किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम मुख्यमंत्रियों तक सिर्फ एक आग्रह है कि सफाई कर्मचारियों पर दया दिखाने की ज़रूरत नहीं, फूल बरसाने की ज़रूरत नहीं, उनकी जान, उनके और उनके परिजनों की जान की गारंटी करना, उन्हें राशन मुहैया कराना, उनके सम्मान की सुरक्षा करना, यह काम होना चाहिए इस समय देश के नेतृत्व का, हमारा और आपका एक सभ्य समाज के तौर पर। शुक्रिया।